टीवी जगत के जाने माने नाम और कॉमेडियन कीकू शारदा को एक कप गर्म चाय और एक कैपेचिनो कॉफी की एवज में 78,650 रुपए का बिल भरना पड़ा है। उन्होंने बिल का फोटो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। कीकू ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए लिखा कि मुझे एक कैपेचिनो के लिए हजारों का बिल पकड़ा दिया गया है, लेकिन मैं इसकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ। बिल के अनुसार कीकू शारदा से एक गर्म चाय के लिए 30,000 और एक कैपेचिनो के लिए 35,000 वसूले गए, जबकि सर्विस चार्ज के तौर पर 13,650 रुपए वसूले गए। कुल मिलाकर उन्होंने 78,000 से ज्यादा का बिल चुका दिया है। इसके बाद उन्होंने शिकायत ना करने के बारे में लिखकर कुछ दिनों पहले से उस वाक्य की ओर ध्यान आकर्षित किया, जब राहुल बोस से एक 5-स्टार होटल में 2 केले के लिए 500 से ज्यादा रुपए वसूले गए थे। लेकिन कीकू के शिकायत के पीछे वजह कुछ और ही है। उल्लेखनीय है कि कीकू इन दिनों बाली, इंडोनेशिया की सैर पर हैं। हमने पहले भी ऐसा कई बार सुना होगा कि बाली की करेंसी भारत के रुपए की तुलना में काफी कम होती है, इसलिए कई विदेश टूर के लिए भारतीय लोग इंडोनेशिया को तरजीह देते हैं। लेकिन इसका बहुत चौंकाने वाला खुलासा कीकू शारदा ने किया है। उन्होंने बताया कि बाली की 78,650 के बिल का मतलब भारत के महज 400 रुपए के बराबर है। करीबन 400 रुपए तक की चाय आला दर्जे के हवाई जहाजों में बेची जाती है। कीकू शारदा द कपिल शर्मा शो में बच्चा, यादव और कई अमुख भूमिकाएं निभाते नजर आते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड गलियारे से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट गॉसिप्स के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए फिल्मी पंचायत। शुक्रिया।